इसके लिए इंग्रेडिएंट्स है चॉकलेट ब्राउनीज केक 400 ग्राम, डार्क कंपाउंड 200 ग्राम, चॉकलेट सॉस 2 टेबलस्पून, डेकोरेटिव बॉल्स और स्प्रिंकलर्स, टूथपिक और लॉली स्टिक्स, वर्जिन कोकोनट ऑयल 1 टीस्पून। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अर्चना एंड वेलकम टू अर्चनास कुकिंग। फ्रेंड्स, आज हम केक बॉल्स बनाने जा रहे हैं। खाने में ये बहुत टेस्टी है और बनाने में ही उतनी ही ईजी भी है। तो फ्रेंड्स, इसको बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ में एक बेल आइकन आता है उसको ज़रूर दबाइए। और मेरी अगर रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो आइए फ्रेंड्स, इसको हम बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने केक लिया है, ये 400 ग्राम का केक है, ये चॉकलेट केक है। आप चाहे तो बिस्किट केक ले सकते हैं, आप चाहे तो वेनीला केक ले सकते हैं, किसी भी तरीके का आप केक ले सकते हैं। और ये मैंने डार्क चॉकलेट ली है, मार्केट में इजीली मिल जाती है। ये मैंने लिया है 200 ग्राम, और साथ में ये सिरप है, चॉकलेट सिरप, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। और साथ में कुछ ये मैंने बॉल्स ली है, कलरफुल बॉल्स है, सिल्वर है, और ये वर्मसलीज है, चॉकलेट वर्मसलीज है, और ये कलरफुल है। और साथ में हम टूथपिक लेंगे, ये ऑप्शनल है, इसका मैं यूज़ आपको बताऊंगी किस तरीके से करना है। तो आइए फ्रेंड्स, इसको बनाना शुरू कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा जो केक है हम इसको तोड़ेंगे। आप चाहें तो इसको मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये बिल्कुल जो केक है उसको हमने अच्छे से बारीक कर लिया है। अब हम इसमें चॉकलेट सिरप डालेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका जो केक है बॉल्स में मीठा कम है तो आप इसमें पाउडर्ड शुगर भी डाल सकते हैं। ये मैं चॉकलेट सिरप डाल रही हूँ, आप चाहें तो कैरमल भी डाल सकते हैं, इसी में ही कैरमल भी आता है। हम एक साथ नहीं डालेंगे, हमें सिर्फ इसको भिगाना है और ये सोख हो जाए और इसकी बॉल्स बन जाए, हमें इतना ही इसमें चॉकलेट सिरप डालना है। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। अब एक छोटा सा पोर्शन हम लेंगे इसका और इसे हम ऐसे बांधेंगे। देखिए इस तरीके से इसकी ये बॉल बन जाएगी। आप चाहे तो बड़ी भी बॉल बना सकते हैं, इस तरीके की ये बॉल बनेंगी। इस पूरे जो हमारा मिश्रण है इसकी हम पूरी बॉल बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सारी बॉल्स इसमें बना ली हैं। अब हम क्या करेंगे, हम ये टूथपिक लेंगे और टूथपिक को, एक एक टूथपिक मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। देखिए जैसे क्रैक आ गया इसमें थोड़ा सा। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे, फ्रीजर में आधे घंटे के लिए हम इसको फ्रीजर में रख देंगे। तो ये जो केक जो बॉल्स है हमारी वो सेट हो जाएंगी, उसके बाद आगे का प्रोसेस हम करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, इस बीच में हमारा जो केक के बॉल्स है वो ठंडी हो रही है, इसके बीच में हम हमारी जो चॉकलेट है उसको काट लेते हैं। हमें इसको मेल्ट करना है, आप चाहें तो इसको डबल बॉयलर में भी मेल्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। मैं इसको माइक्रोवेव में करूंगी। डबल बॉयलर का तरीका मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, मेरी चॉकलेट्स की जो रेसिपी है आप उसमें देखिएगा, डबल बॉयलर का तरीका भी है और माइक्रोवेव में कैसे करते हैं वो भी तरीका है। अब हम इसको मेल्ट करेंगे। आप इसको माइक्रोवेव में पहले एक मिनट के लिए रखिएगा, फिर हम इसको चलाएंगे, फिर इसको एक मिनट के लिए रखेंगे,
फिर दोबारा इसको हम चलाएंगे तो ये पिघल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 मिनट तक के, 2.5 मिनट्स तक ही आप इसको रखिए। ज़्यादा देर रखेंगे तो जो हमारी चॉकलेट है वो जल जाएगी और बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसको हम पहले 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रखते हैं। अब हम इसको स्टर करेंगे। देखिए, ये पिघलना शुरू हो गई है। देखिए, आजकल गर्मी का मौसम है तो हमारी जो चॉकलेट है वो बहुत जल्दी पिघल जाती है। अगर आपको लगता है कि इसको हमें और पिघलाने की ज़रूरत है तो हम इसको पिघलाएंगे। देखिए, इसके जो इसमें मोटे मोटे दिखाई दे रहे हैं ये भी इसमें पिघल जाएंगे क्योंकि जो हमारी चॉकलेट है वो गर्म है। देखिए, हमारी चॉकलेट तो 1 मिनट में ही पिघल चुकी है। अगर आपको लग रहा है आपकी चॉकलेट नहीं पिघल रही है तो आप इसमें इसको और ज़्यादा रख सकते हैं। देखिए, हमारी चॉकलेट पिघल गई है। फ्रेंड्स, हम आपको रिमाइंड कराना चाहते हैं कि अगर आपको और रेसिपीज़ देखनी हो और केक की वीडियोस या और चॉकलेट की वीडियोस देखनी हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे देंगे। तो बढ़ते हैं आगे की रेसिपी की तरफ। अब देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे। एक ये हमने चॉकलेट बॉल ले ली है, अब इसको हम इसमें डिप करेंगे। चॉकलेट बॉल को इसमें डिप कर लिया है, इसको अच्छे से, इसकी जो चॉकलेट है वो हमें हटानी है। एक्स्ट्रा चॉकलेट आप इसमें से हटा दीजिए। इसके बाद हम इसके ऊपर सिल्वर बॉल्स डाल देंगे। इसके ऊपर रख देंगे से भी इसमें सिल्वर बॉल्स डाल देंगे। इसको हमें फटाफट बनाना है क्योंकि हमारी जो चॉकलेट है, जो बॉल्स हैं वो हमारे पिघलना शुरू हो जाएंगी। देखिए, अब हम इसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डालेंगे। आपके पास अगर कोको बटर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। लगभग 1 चम्मच के करीब हम इसमें कोकोनट ऑयल डाल रहे हैं। इससे क्या होगा कि हमारी जो चॉकलेट है उसमें शाइन आ जाएगी। देखिए, फ्रेंड्स, देखिए मैंने इसको चॉकलेट में डिप कर लिया था और उसके बाद इसके ऊपर मैंने वर्मसलीज डाल दी है और ये सिल्वर बॉल्स डाल दी हैं। अब मैं इसको फ्रिज में रखूंगी 10 मिनट्स के लिए, उसके बाद ये जम जाएंगी। सो फ्रेंड्स, देखिए हमारी ये बॉल्स जो हैं वो जम चुकी हैं। आप चाहे तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं या फिर इस तरीके का रैपिंग पेपर आता है, आप उसमें इसको रैप कर दीजिए इस तरीके से। और ये लॉलीपॉप की तरह बन जाएगा, आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। इसको फ्रिज में स्टोर करके रखिए क्योंकि गर्मियों का मौसम है, ये पिघल जाएगी चॉकलेट। देखिए इस तरीके से आप इसको रैप कर दीजिए और इसको फ्रिज में ही रखिएगा। सो फ्रेंड्स, हमारी रेसिपी बन चुकी है, आप इसको ज़रूर बना के देखिएगा। इसको बनाने में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर ये आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।